नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार रूबीज पंजाबी किचन में। आज आप देख रहे हैं रूबीज पंजाबी किचन में क्या बन रहा है। ये एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ये मैंने बनाई है। दाल पालक को एक नया रूप दिया है क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन से भरा हुआ ये खाना है। और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो ये जो स्वादिष्ट सब्जी अभी आपने देखी है, इसके लिए हम सबसे पहले सूखा मसाला लेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन एक छोटी चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, आधी छोटी चम्मच सौंफ है, मोटी वाली सौंफ है ये, और एक छोटी चम्मच या एक चम्मच कसूरी मेथी ले लिया है। इन तीनों चीज़ों को पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है और फिर थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, आप चाहें तो इसे लोहे के तवे पर भी कर सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें जो इसकी खुशबू है इन मसालों की वो थोड़ी सी रिलीज़ हो जाएगी और इनको थोड़ा सा पीसना आसान रहेगा। मीडियम आंच पे मैं इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। देखिए 1-2 मिनट हो गए हैं और अच्छी सी खुशबू आने लग पड़ी है। बस इनको इतना ही करना है, गैस बंद कर दूँगी और इनको चाहे चकले पर डालकर बेलन से पीस लीजिए, चाहे आप इसे खरल में पीस लीजिए, क्योंकि इसको मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इधर मैंने ये ले ली थी मूंग की दाल, मूंग की धुली दाल है ये देखिए, और ये तकरीबन मैंने 1 कटोरी ली थी। इसके लिए कोई प्रॉपर नाप नहीं आपको लेना, क्योंकि आप रैंडमली जितनी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप 1 कटोरी या 250 ग्राम या 100 ग्राम जितनी दाल आप भिगोना चाहें भिगो लीजिए। मैंने इसको तकरीबन ये 100 ग्राम दाल थी और मैंने इसे 4-5 बार अच्छे से इसे धो के इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि मूंग की दाल है तो इसे बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसका पानी हटा लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है और इस दाल का सारा पानी मैंने हटा लिया है। इसको हमने सूखा ही पीसना है, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो 1/2 चम्मच हम पानी डाल लेंगे। और इस दाल का भी पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने इसको दरदरा ही रखना है। तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये 1-2 मिर्चें सूखी हुई हैं, ये मैंने घर में ही सुखाई हुई हैं, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो कम डालें। 1 छोटी चम्मच से भी आधा थोड़ा सा जीरा जाएगा इसमें, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च कुटी हुई, और बहुत थोड़ा सा नमक। अभी इसमें ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फीका ना लगे। और साथ ही हमने जो सूखा मसाला ड्राई पीसा था वो भी ऐसे मैं तकरीबन आधी चम्मच ऐसे डाल दूँगी, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। अब मैं इसको थोड़ा दरदरा पीस लूँगी। इसी दाल के साथ ये मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी पालक ले ली है, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा इसको मैं और हेल्दी बनाना चाह रही हूँ। बच्चे कई बार ये चीज़ें नहीं खाते, तो जब हम इस तरह से बच्चों को कुछ थोड़ा सा चेंज करके खिलाते हैं तो बच्चों को पसंद आता है। तो मैं ये 1 मुट्ठी भर के पालक भी डाल रही हूँ। ये मुझे देसी पालक आज मिल गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देती हूँ। तो ये हमारी दाल पीस गई है, देखिए ज़्यादा बारीक नहीं करी, बस ऐसे थोड़ी सी इसको दरदरा ही पीसना है। इसमें मैंने 1 बूंद भी पानी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि पालक में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होता है, तो ये उतना ही पानी बस इसके लिए काफ़ी है, ज़्यादा गीला नहीं करना इसको। और अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं हरा मसाला बनाने के लिए तकरीबन 1 बड़ा प्याज, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और तकरीबन 1 चम्मच हरा धनिया। इन सबको हम पीस लेंगे, इनका भी पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है मसाला। साथ ही मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं रफली मिक्सी में चला लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, मैंने रिफाइंड तेल लिया है, 1 चुटकी मैंने हींग डाली है इसमें, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी। और हम इसको भून लेंगे और हम इसको मीडियम आंच पर भून लेंगे मसाला पकने तक। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, हमने यहाँ पर ले ली है एक प्लेट, इसमें मैंने लगा लिया थोड़ा सा घी, आप चाहें तो ऑयल लगा लीजिए। अच्छे से थाली को ग्रीस कर लेंगे और ये जो पेस्ट है इसके अंदर हम स्प्रेड कर मतलब बिछा देंगे थोड़ा सा ऐसे करके। इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना,
हमने बराबर कर लिया है। इधर हमारा देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, ऑयल बिल्कुल देखिए सेपरेट हो गया है। अब इस पे मैं टमाटर डाल दूँगी। इसमें सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च छोटी हुई, तकरीबन आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया, इनको हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें एक और प्रोसेस करेंगे। मसाला हमने बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर दिया और मैंने गैस जो है वो बिल्कुल मीडियम कर दी है। अब इसमें मैंने ले ली है ये जालीदार थाली। अगर आपके पास जालीदार थाली ना हो तो इस मसाले के बीच में कोई कटोरी रख के और उसके ऊपर ये मैंने रख दी है प्लेट। तो अगर आपके पास जाली है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास जाली नहीं है तो कोई छोटी कटोरी या कुछ भी जिसके ऊपर ये मैं ये प्लेट आप सेट कर सकें, इस तरह से रख देंगे हम और इसको हम एक थाली से ढक देंगे, क्योंकि इस मसाले की स्टीम में ही हमने ये अपना दाल को पकाना है। तो इसको हम ढक देंगे, 10 से 12 मिनट के बाद मिलते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, इसको मैं अब हटा के देख लूँगी। ऐसे कोई नाइफ़ लेके उसे चेक कर लेंगे कि ये देखिए बहुत अच्छे से पक गई है, हमारी जो नाइफ़ है वो बिल्कुल साफ निकल रहा है। तो इसको बहुत ये बहुत गर्म है तो मैं इस कपड़े से इसको निकाल लूँगी और अपना मसाला भी एक बार चेक कर लेंगे हटा के। तो ये देखिए मेरा मसाला भी प्रॉपर बन गया है, लेकिन क्योंकि अभी हमने इसको ग्रेवी बनानी है तो इसमें तकरीबन मैं आधा ग्लास पानी और डालूँगी, क्योंकि जब हम ये दाल के जो कोफ्ते हैं ये इसमें डालेंगे तो वो भी पानी को सोख लेंगे। तो आप तरी अपने हिसाब से जो इसकी ग्रेवी है पतली रखनी है या ज़्यादा गाढ़ी रखनी है ये आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तकरीबन मैं आधा ग्लास अभी पानी डाल रही हूँ, मुझे और ज़रूर पड़ी तो और डाल लूँगी। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, अब हम इनको काट लेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, आप इसे डायरेक्ट इस ग्रेवी में डालकर पका सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा तवे पर ऑयल डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी। अब हम लेंगे एक तवा, मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, तो मैंने यहाँ नॉनस्टिक तवा लिया है। आप कोई भी लोहे का तवा भी ले सकते हैं क्योंकि ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तकरीबन मैंने एक चम्मच तेल ले लिया है इसमें, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे शैलो फ्राई करूँगी। वैसे एक एक पीस हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये वाला सेट हो गया है, मैंने निकाल लूँगी एक प्लेट में और बाकी का जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो हमारी देखिए ग्रेवी में भी उबाला आ गया है, अच्छे से पक गई है ग्रेवी। इसमें मैं बहुत सावधानी से ये सारे पीसेस डाल दूँगी। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि आज मैंने खड़े मसालों को यूज़ नहीं किया है इसलिए मैंने आज इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। बस अब मैं इसे चार पाँच मिनट ढककर पका लूँगी। तो तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं अब सब्जी। देखिए बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, रसमिसी ग्रेवी है, यानी कि थोड़ी सी लटपट सी ग्रेवी है, ज़्यादा तरी नहीं रखनी इसमें और ज़्यादा सूखा हुआ भी नहीं अच्छा लगेगा। और देखिए ये दाल जो है ये बढ़िया जो है मेरी बहुत अच्छे से गल गई हैं, सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। तो अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है ये दाल और पालक की एक यूनिक रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो क्या खा रहे हैं कि दाल है पालक है, और आइंदा से वो नाक नहीं चढ़ाएंगे दाल या पालक का नाम सुन के। प्रोटीन से भरी हुई ये सब्ज़ी है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।